गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है द शहनाई या बिस्मिल्ला खां चैप्टर आपका जो सिक्स है बिस्मिल्ला खां की शहनाई। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसे समझ लिया था, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वह आपका B.1 में दिया हुआ है। B.1 में क्या दिया है तो देखते हैं। B.1 में दिया है कि राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है B.1 में। ठीक है ना, तो हम लोग यही शुरू करेंगे आज। ट्रू एंड फॉल्स, ओके, ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लेते हैं कि बिस्मिल्ला खां बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो नहीं, वो उत्तर प्रदेश के परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, वो बिहार के परिवार से बिलोंग करते थे, एक संगीत के परिवार से थे वो। ठीक है, तो इसे फॉल्स कर देंगे। फर्स्ट का ये आंसर है, फर्स्ट का आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर देख लेते हैं, सेकंड नंबर में कहता है कि बिस्मिल्ला खां एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। ठीक है, तो हाँ, उनके प्राचीन जो पुरुष थे वो भी जो है शहनाई प्लेयर ही थे, शहनाई वादक ही थे, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर में क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा गेव इंस्पायरिंग द बिस्मिल्ला टू क्रिएट रागाज। सही बात है, जो बहती हुई गंगा नदी का पानी है वो उन्हें इंस्पायर करता है, प्रेरणा मिलता है उनसे उससे, तो ये भी जो है थर्ड नंबर ट्रू हो जाएगा, तो इसे ट्रू कर दीजिए। फोर्थ नंबर में देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर में कहता है कि ही लर्न शहनाई फ्रॉम हिज पेरेंट एंड ग्रैंडफादर, नहीं, वह अपने माता पिता और दादाजी से शहनाई नहीं सीखे थे, वो अपने मैटरनल अंकल से सीखे थे, मामा से। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो चलिए इसको भी फॉल्स कर देते हैं। इसके बाद से हम लोगों का यह जो है फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो यह ट्रू और फॉल्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आता है 1.12 में कहता है कंप्लीट द स्टेटमेंट सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडी, जो तुमने अभी सबसे अध्ययन किया है इस पार्ट को, उसी के आधार पर इसका वाक्य को भरे, पूरा करें। ठीक है ना, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसमें पहले आप लोग लिख लीजिए B1.2 में लिखेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पोंगी इज ए डैश इंस्ट्रूमेंट, पोंगी एक डैश वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, तो कैसा यह यंत्र है, ठीक है, तो यह जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, यहां पर देंगे इसमें फर्स्ट में, पहला में पढ़ेंगे म्यूजिकल, ठीक है, सेकंड में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड में देख लेते हैं, सेकेंड में कहता है कि द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर डैश नॉइज मेकर। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे, कर्कश आवाज देने वाले, रीडेड, रीडेड, इसमें रीडेड भर देंगे। थ्री नंबर कहता है, थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या भरेंगे यह देख लेते हैं, तो थ्री नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इज कॉल्ड, ठीक है, जो पुंगी से काफी भिन्न था वाद्य यंत्र
उसका नाम क्या है, तो उसे हम लोग क्या जो कुंजी से अलग बनाया गया था उसका नाम है सहनाई। तो ये सहनाई करवा देंगे। इसके बाद से फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। तो फोर्थ नंबर कहता है कि डैश होल्स वेयर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, वो जो पाइप का शहनाई जिससे बनाया गया था उस पाइप में कितने होल थे, तो कितना हमने बनाया था, सेवन, सात होल उसमें किए गए थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या पढ़ लेंगे, फोर नंबर में आपका हो जाएगा सेवन, क्या पढ़ेंगे, सेवन। इसके बाद से फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन कहता है कि डैश वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स फोर्ट, कहता है कि फाइव नंबर क्वेश्चन में कि कौन जो है राजा के दरबार में कौन जो है शहनाई वादक था भोजपुर के नवाज, शहनाई वादक कौन थे राजा के दरबार में, उनका क्या नाम था, उनका नाम था फाइव नंबर रसूल बख्श खान, रसूल बक्स खां, उनका नाम था रसूल बक्स खां। तो फोर नंबर फाइव नंबर कंप्लीट हो गया, रसूल बक्स खां जो है राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। इसके बाद सिक्स नंबर कहता है डैश वाज बिस्मिल्ला ग्रैंड फादर, उनके दादाजी का क्या नाम था, तो उनके दादाजी का भी नाम यही था, यही थे जो है उनके दादाजी रसूल बक्स खां, ये बिस्मिल्ला खां के दादाजी थे जो राज दरबार में शहनाई वादक थे, ठीक है। तो सिक्स नंबर में भी इसी को भरेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिस्मिल्ला अकॉम्पनी डैश टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, किसके साथ वह जो है अपना बनारस मंदिर में जाकर और वह साथ देते थे, तो अपने मामा जी के साथ, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था। तो यहाँ सेवन नंबर भर देंगे, हिज अंकल अली बॉक्स, क्या नाम था उनका, अली बॉक्स, उनके अंकल का क्या नाम था, अली बॉक्स। तो ये सेवन नंबर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। उनके मामा जी के साथ जो है वो अपने जाते थे, अंकल मिस मामा भी होता है, मैटरनल अंकल अली बॉक्स उनके मामा का नाम था, जो कि वो बनारस के मंदिर में जाकर उनका साथ देते थे, बैठकर बजाते थे। उसके बाद से एट नंबर कहता है कि बिस्मिल्ला प्लेड एट द टेम्पल ऑफ डैश एंड एट द बैंक ऑफ डैश एज यंग अप्रेंटिस, कह रहा है कि जब वो यौंग अवस्था में थे तो कहां पे जाकर किस नदी के किनारे जो है जाकर वह नदी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, ठीक है, नहीं सॉरी प्लेड, किस नदी के किस मंदिर के पास जो है जाकर खेलते थे और किस नदी के किनारे जो है वह था वह मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक नंबर का आंसर हो जाएगा बालाजी टेम्पल, उस टेम्पल का नाम था बालाजी एंड मंगला मैया, मंगला मैया, एक में भरेंगे टेम्पल का नाम हो गया, ठीक है, बालाजी एंड मंगला मैया, और दूसरा जो है क्वेश्चन कहता है किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी, यहाँ सेकेंड में इसी में भर देंगे द गंगा, ओके। तो यहाँ सेकेंड में क्या भर देंगे, द गंगा, ये गंगा नदी के किनारे जो है वह मंगला बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में पास जो है जाकर वो बचपन में खेला करते थे, ठीक है। तो ये रहा एक नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, ये कंप्लीट हुआ आपका। इसके बाद से 1.2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू होगा 1.3 से, जिसमें आपको जो है 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फिर आज तक इतना ही, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।